विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इक्वेटोरियल गिनी में नए वायरस की वजह से फैली बीमारी को महामारी घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक अभी तक यहां 9 मौतें हो चुकी हैं और 16 संदिग्ध मामले हैं, जो बुखार, कमजोरी, दस्त और उल्टी जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग वायरस रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि करते हुए कहा कि देश में कम से कम 9 मौतों के लिए इबोला से संबंधित यह वायरस जिम्मेदार है। हेल्थ एजेंसी ने महामारी की पुष्टि तब की जब इक्वेटोरियल गिनी से मिले नमूनों को सेनेगल की लैब में भेजा गया। अफ्रीका के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर माचिदिसो मोएती ने कहा, बीमारी की पुष्टि करने में इक्वेटोरियल गिनी के अधिकारियों द्वारा तेजी से और निर्णायक कार्रवाई के लिए धन्यवाद। आपातकालीन प्रतिक्रिया में तेजी लाई जा रही है ताकि हम जान बचा सके और वायरस को जल्द से जल्द रोक सके। मारबर्ग वायरस बीमारी एक अत्यधिक विषाणुजनित रोग है जिसमें हेमरेजिक बुखार हो जाता है। इस बीमारी की मृत्यु दर 88% है। यह बीमारी इबोला वायरस के परिवार से ही आती है। मारबर्ग वायरस की वजह से होने वाली बीमारी अचानक शुरू हो जाती है, जिसमें तेज बुखार और भयानक सिर दर्द के मरीज को परेशान कर देते हैं। कई मरीज 7 दिनों के अंदर हेमरेजिक बुखार के गंभीर लक्षणों को महसूस करने लगते हैं। इबोला की तरह मारबर्ग चमगादड़ों से आता है और मनुष्यों में सीधे संपर्क के जरिए फैलता है। यानी जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति सतह और सामान के जरिए फैल सकता है, ठीक वैसे ही मारबर्ग रोग भी फैलता है। इस दुर्लभ वायरस की पहली बार पहचान साल 1967 में की गई थी। इस वक्त इस वायरस का इलाज करने के लिए किसी भी तरह की वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ लक्षणों का इलाज करने से सेहत में सुधार देखा जाता है। Equatorial Guinea on Monday confirmed an outbreak of Marburg virus disease in 2 districts near the borders with Cameroon and Gabon. Marburg belongs to the same family of viruses as Ebola, causes similar symptoms, transmits between humans the same way, and like Ebola, has a very high fatality ratio. So far, 9 deaths have been reported in people with symptoms consistent with Marburg and 1 tested positive for the virus. The other 8 deaths are considered suspected cases because they had similar symptoms and were most likely part of the same transmission chain. But Marburg could not be confirmed because samples could not be obtained. 16 suspected cases have been admitted to health facilities with mild symptoms and 21 contacts are being monitored at home. WHO is supporting the government to respond to the outbreak by deploying experts in epidemiology, clinical care, risk communication, community engagement, and infection prevention and control. We are also helping to establish diagnostic capacity for Marburg, and we have chartered flights to send medical supplies and personal protective equipment. There are currently no approved vaccines or treatments for Marburg virus disease, and few are in development. WHO convened a consultation of the Marburg Virus Vaccine and Therapeutics Consortium, which includes developers and experts from around the world. Any decision on trials of vaccines and therapeutics will be made by national authorities and researchers in Equatorial Guinea.